মানুষ আমাকে সেকেন্ড টাইম তিন গুণ ভোটে জিতিয়েছিল এবং দিদি যে এত বড় একটা আমাকে বালিগঞ্জের মতো একটা ঐতিহ্যশালী জায়গায় ওনার কোনো প্রার্থী হিসেবে আমাকে বেছেছেন এতেও আমি কৃতজ্ঞ আনন্দিত এবং এই চ্যালেঞ্জটা আমি মন থেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলাম। এত বছর ধরে উনি ওখানকার মানুষের কনফিডেন্স অর্জন করেছেন, সেটা যাতে কোনোভাবে কোনো দিক থেকে যেন বিচ্যুতি না হয় সেটা আমার তরফ থেকে সর্বতোভাবে ও সমস্ত কাউন্সিলররা প্রচণ্ড প্রোঅ্যাক্টিভ, যারা সিনিয়র সমস্ত নেতা আছেন প্রত্যেকে প্রত্যন্ত প্রোঅ্যাক্টিভ ভালো কাজ করেন, ওদের সঙ্গে নিয়ে খুব খুব মন দিয়ে কাজ করবো। ববিদাকেও অনেক দিন থেকে চিনি, খুব স্নেহ করেন, এই ভালো কাজ করবো। এটা ওই ওই সুব্রতদার কথাটা মাথায় আমার সবসময় থাকবে। বাবুলদা স্কুল ইউনিফর্ম নিয়ে সেখানে বিশ্ববাংলা, এটা এটা এখানকার সাবজেক্ট নয় ভাই, ওটা যেখানে যে ফোরামে এটা এটা আজকে এইটুকুনের মধ্যে সীমা হতে। নির্বাচনের আগে কি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আজকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে দিল্লিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের দপ্তরে? তার উত্তর, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একজন অত্যন্ত কম্পিটেন্ট অ্যাস্টিউট পলিটিশিয়ান এবং লিগালি যেভাবে ব্যাপারটা অ্যাপ্রোচ করার দরকার সেটা উনি সেভাবেই করছেন। সুপ্রিম কোর্টে অ্যাপিলও করেছেন এই দিল্লিতে তলব করা নিয়ে, সেটা আপনারা সবাই জানেন, তো হি উইল হ্যান্ডেল ইট অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি। এক এক করে কোশ্চেন করো। बहुत ही बढ़िया मूड है, रास्ते में बैठ रहा हूँ, समोसा खा रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ और लोग बुला बुला के, अरे दादा यहाँ का चाय पी के जाओ। बहुत ही बढ़िया यूफोरिक, काफ़ी अच्छा मूड है और दीदी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि बालीगंज जैसे जगह में जहाँ पे सुब्रत मुखर्जी का लेगेसी है उस जगह के लिए उन्होंने मुझे मनोनीत किया है, प्रार्थी उनका प्रार्थी बनाया है और उस वो चीज़ को हमेशा मैं दिमाग में रखूँगा। और वहाँ के सारे काउंसिलर से लेके ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेके सारे बहुत ही होनहार लोग हैं, कई लोग दूसरी बार जीते हैं और वो भी अच्छे से काम करेंगे, उनके साथ अच्छी दोस्ती भी हो गई है, तो सब लोग मिलके सुब्रतदा ने वहाँ पे जो इज्जत हासिल की है, जिस तरीके का काम और सपोर्ट उनको वहाँ के लोगों ने दिया है, उसी के मद्देनज़र जो है हम बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। देखिए अब जहाँ पे अलग अलग पार्टी के लोग बीजेपी के जो कह रहे हैं 100% हम निश्चित है कि हम जीतेंगे, तो ये 100% 200% वाला जो परसेंटेज वाला खेल है उन पे छोड़ दीजिए, ऐसे ही वो 80-20 70-30 परसेंटेज में खेलना पसंद करते हैं, तो ये परसेंटेज वाला खेल उनको छोड़ दीजिए। हम विनम्रता के साथ 12 तारीख को सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आके अपना वोट दीजिए, और बाई इलेक्शन में वोट्स थोड़े कम पड़ते हैं ऐसा हमने देखा है ट्रेडिशनली, तो वोट आप लोग दीजिए, एक परसेंटेज कम होने मत दीजिए, क्योंकि सुब्रत दा का कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे अच्छे तादाद में आइए, वोट दीजिए और बाकी जो भी बात है वो 16 तारीख जो है आप लोगों को दिखेगा। सोशल मीडिया में नहीं पढ़ता हूँ, सोशल मीडिया में हूँ भी नहीं, सोशल मीडिया में एक आदमी चाहे तो कंप्यूटर में बैठ के 2000 मैसेजेस भेज सकते हैं, और बीजेपी का जो मीडिया सेल है वो बहुत स्ट्रांग है, और मैं उस पार्टी को छोड़ के इस पार्टी में आया हूँ, इतने जल्दी मुझे दीदी ने इतना प्रेस्टिजियस जगह में उन्होंने मुझे अपना प्रार्थी मनोनीत किया है, तो इस तरीके का मीम और इस तरीके का जो आप देख रहे हैं ये देखेंगे, ये जायज़ है, इसमें हमको प्रोवोक करने की कोई कोशिश जो वो कर रहे हैं हम कोई जवाब ही नहीं देंगे, हम कोई भी जवाब नहीं देंगे, और अगर पार्टी छोड़ने के लिए उनको इतना गम है तो फिर उनको अपने एलओपी को लेके क्या करेंगे, अपने एलओपी को क्या कर लेके क्या करेंगे, एलओपी के भाई और डैडी पिताजी जो है वरिष्ठ राजनीतिक है वो जो पार्टी छोड़ने के बाद भी एमपी पद को पकड़े हुए हैं, पब्लिक का पैसे से सैलरी ले रहे, बंगलों ले रहे, घर ले रहे, उसका क्या करेंगे, जो कांग्रेस को प्रधानमंत्री जी सिर्फ आज के लिए नहीं, हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू से लेके अभी हाल ही में इतनी भला बुरा जिन्होंने कहा है कि मनमोहन सिंह जी को कहना पड़ा कि अभी भी 8 साल रहने के बाद भी आपको जवाहरलाल नेहरू की बात करनी पड़ रही है, तो जो उसी कांग्रेस पार्टी से जिन लोगों को राज्यसभा का सीट राज्यसभा से लेके गए हैं और उनको मंत्री बनाए हैं, भले वो नॉर्थ ईस्ट में हेमंत विश्व शर्मा को देखिए जो उनका मेन मुखिया है नॉर्थ ईस्ट में, या मेरे अच्छे दोस्त है लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया है, और कितने लोग हैं इनको क्या कहेंगे, वोट के पहले जिन लोगों को साइन कराया गया कांग्रेस से, कांग्रेस को इतना भला बुला कहते हैं और उनसे ही साइन कराएंगे, क्या कहेंगे,
तो हर आदमी को किसी भी तरीके का आलोचना करने का हक है। वो मीम्स जो चला रहे हैं, मैं जो टीम के लिए जब खेलता हूँ मैं बहुत दिल से खेलता हूँ, बीजेपी के लिए मैं इतने दिन था वो मेरा इतिहास है, उसको तो मैं बदल नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर मैं अपना सर ऊंचा करके मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ खड़े होके मैंने अगर डिसीजन लिया है तो वो पार्टी अगर मैं छोड़ी है उसके साथ जो भी करना था वो सबने साहस के साथ किया है। अब जो पार्टी जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ उनके लिए पहले इनिंग्स से सेकेंड इनिंग्स मेरा और भी बेहतर हो, यही मेरा मेरी उम्मीद रहेगी, यही मेरा प्रचेष्ट मतलब मेरी कोशिश रहेगी। और आप क्रिकेट में ना बैट्समैन का एवरेज देख लीजिएगा, ज़्यादातर सेकेंड इनिंग्स का एवरेज जो है ना वो फर्स्ट इनिंग से बेटर होता है, और उसी में भी कोई क्वेश्चन मार्क हो तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं उसी को भी आप देख लीजिए।